नमस्कार, मैं अभय पांडे और आज मैं हूँ दीपावली की जानकारी लेने के लिए और इस बात की जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं बड़ी आचार्य पंडित श्री उदय पांडे जी। तो उदय पांडे जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमको समग्र जानकारी देंगे लक्ष्मी पूजन एवं दीपावली पूजन के बारे में। मैं उदय पांडे सभी दर्शकों को शुभकामना दे रहा हूँ, दीपावली के अवसर पर शुभकामना है। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बोधिम प्रकाशम च दीप ज्योतिर नमस्तुते। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। दीपावली को क्यों मनाया जाता है? दीपावली हम लोग मनाते हैं, राजा रामचंद्र जी जब लंका से आए, विजय प्राप्त करके, रावण पर विजय प्राप्त करके, तो सभी लोग जितने भी प्रजा लोग थे यहाँ, सब लोग उत्सव मना कर, दीप जला करके उत्सव मना करके और दीपावली मनाए। दीपावली को किस विधि से मनाना चाहिए? दीपावली को दीप जला करके और दीप प्रज्वलित करके और गणपति, गणेश और लक्ष्मी, महालक्ष्मी का प्रतिमा रख करके और पूजन अर्चन करके, द्रव्य लक्ष्मी साथ में रख करके पूजन अर्चन करके हम लोग दीपावली के दिन और दीप जला करके प्रसन्न करते हैं लक्ष्मी। कौन से पुष्प महालक्ष्मी एवं गणपति के प्रिय हैं? गणपति को दुर्गा प्रिय, अति प्रिय है और महालक्ष्मी को कमल का पुष्प प्रिय है, ये अर्पण करना चाहिए। उस दिन किन बातों का निषेध करना चाहिए? निषेध करने का बात है कि उस दिन लोहा का खरीदारी नहीं करना चाहिए और अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ये सब जो है स्थिर लक्ष्मी जो है रुष्ट हो जाती है, ये सब नहीं करना चाहिए। दीप जलाने का महत्व बतला सकते हैं? दीप जलाने का महत्व है कि हम लोग प्रकाशमय करते हैं, दीप जैसा प्रकाशमय करता है उसी तरह मेरे सारे अंधकार जो है निवारण हो जाए और प्रकाशमय हो जाए, इसके लिए हम लोग दीप जलाते हैं। कोई विशेष पूजन विधि हो जिससे महालक्ष्मी और गणेश जल्दी प्रसन्न हो जाए? महालक्ष्मी और गणपति प्रसन्न हो जाते हैं संयुक्त पूजा कर लेने से, दुर्गा गणपति पर चढ़ाने से और लड्डू चढ़ा करके पूजन अर्चन करें, लक्ष्मी और गणपति दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। इस बात की जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं समय देने के लिए भी आपका आभार। और मैं इसी के साथ ही अपने तमाम दर्शकों को भी दीपावली की शुभकामना दे रहा हूँ एवं उनकी सुख एवं समृद्धि की वृद्धि की कामना करता हूँ। धन्यवाद।